Hello Medicos, I am Dr. Ankita Lonawat and welcome back to my channel The Learning Medico. So, आज हम continue करते हैं हमारी neurology की series जो है practice of medicine की और आज का topic है epilepsy. Also, for handwritten notes of all my videos, you can follow me on Instagram at The Learning Medico. Also, do check out my book Parasitology Notes which is available on Amazon. जाइए देखिए आपको book कैसी लगती है और अपने प्यारे प्यारे reviews जरूर share कीजिए. So, let's start with today's topic. So, epilepsy. माइग्रेन अगर नहीं आता तो एपिलेप्सी तो पक्का ही आता है. तो न्यूरोलॉजी का प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के पेपर 2 में एक क्वेश्चन तो फिक्स ही होता है 20 मार्क्स के लिए. अगर माइग्रेन नहीं आया तो एपिलेप्सी आता है, एपिलेप्सी नहीं आया तो स्ट्रोक आता है. तो ये तीनों में से कुछ भी आ सकता है. हमें एपिलेप्सी आया था और मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एपिलेप्सी किया था. सो लेट्स स्टार्ट विथ एपिलेप्सी. Now, definition: epilepsy is defined as a tendency for recurrent unprovoked seizures, usually two or more seizures. तो epilepsy क्या है? अगर किसी patient को fever है तो भी वो seizures में जा सकता है. But ऐसे नहीं हो जाता, थप्पा नहीं लग जाता कि उसको epilepsy है. Epilepsy हम तब diagnose करते हैं जब patient को recurrent होता है, unprovoked seizure होता है. Unprovoked मतलब patient को बुखार नहीं, कुछ नहीं, वो एकदम healthy है, सब चालू है, but फिर भी उसको seizure अगर हुआ है and दो या ज़्यादा बार हुआ है तो हम उसे epilepsy मानेंगे, नहीं तो उसे हम सिर्फ एक seizure बोलेंगे. And seizure का झटका patient को बुखार में भी आ सकता है. Now causes: all disorders including grey matter are the causes. Now types of seizures. तो types of seizures में एक है partial seizure और एक है generalized seizure. तो ये बहुत difficult दिया था but ये मैंने बहुत छोटा simplified किया है ताकि हम exam में उतना लिख सके. यार exam में marks आ जाएंगे, ऐसा तो लिखा ही है मैंने. So let's start. Partial seizures begin locally in the cortex. Such seizure may spread and become generalized involving whole of the cortex. मतलब ये जो partial seizures है ये क्या है? ये चालू होते हैं locally cortex में but ये spread होके generalized भी हो सकते हैं और पूरा cortex भी involve कर सकते हैं. बाकी जो generalized seizure जो है वो involve much of the cortex bilaterally from the always and always cause immediate loss of consciousness. तो ये जब start होते हैं तभी वो पूरा cortex involve करते हैं but ये जब start होते हैं तो सिर्फ कॉर्टेक्स है और ये पूरा जनरलाइज बाद में आगे जाके कर सकते हैं. तो उसमें पहला क्या है पार्शियल सीजर में? फोकल सीजर. अगर इन वाइड वैरायटी ऑफ फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस इज नॉट इम्पेयर्ड इन सिंपल पार्शियल सीजर. अनकॉन्शियसनेस जो है वो हैम्पर नहीं होती है फोकल सीजर्स में. नेक्स्ट इज द कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स. तो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर आर डिफाइंड बाई impairment of consciousness which may occur within from the onset or may involve from a simple partial seizure. Automatism may also occur. Automatism क्या है? मैं आगे आपको समझाऊंगी. तो क्या है complex partial seizure? तो यहाँ पर consciousness impaired होगा, consciousness चला जाएगा patient का and which may occur from the onset और में. हाँ तो ये क्या है, एक simple partial seizure से भी चालू हो सकता है और उसके बाद पूरा कॉर्टेक्स भी इन्वॉल्व कर सकता है. नाउ टेम्पोरल लोब सीजर आर पार्शियल कॉम्प्लेक्स सीजर. ये टेम्पोरल लोब सीजर क्या है? एक टाइप का कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर है जिसमें क्या है, अब नॉर्मल एक्सपीरियंस होता है पेशेंट को सेंस ऑफ स्मेल का, क्योंकि हमारा जो टेम्पोरल लोब है वो हमारे सेंस ऑफ स्मेल को रेगुलेट करता है. अब नॉर्मल एक्सपीरियंस ऑफ स्मेल और फीलिंग ऑफ अनरियलिटी और अनड्यू फेमिलैरिटी. विजुअल हेलुसिनेशन में भी सेम, मतलब वो पेशेंट है उसको कुछ अनयूजुअल एक्सपीरियंस आएंगे स्पेल के बारे में और अनरियलिटी और अनड्यू फेमिलैरिटी, मतलब उसको क्या लगेगा मैं इससे कितना फेमिलर हूँ, मैं एकदम डॉग की जैसे हूँ, उसको ऐसे लगता है. और विजुअल हेलुसिनेशंस भी होते हैं. देन ऑटोमेटिज्म कैन अकर इन कॉम्प्लेक्स. हमने देखा है ना ऑटोमेटिज्म में ऑल्सो अकर. सो ऑटोमेटिज्म क्या है? कैन अकर इन कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर और प्रोलॉन्ग एब्सेस. तो इसमें क्या होगा, लिप स्मैकिंग, मतलब दिस इज लिप स्मैकिंग, मतलब पेशेंट
कुछ नहीं, उसको पता ही नहीं वो ऐसे कर रहा है, उसको कॉन्शियसनेस ही नहीं रहता है, और ये बहुत फ्यू सेकंड्स के लिए होता है। स्वॉलोइंग, वो स्वॉलो करता रहेगा कंटिन्यू। फिजिलिटी विद द हैंड्स, ऐसे करता रहेगा पेशेंट। एंड वोकलाइजेशन, आई डोंट नो वोकलाइजेशन इन दैट डिटेल, बट ऐसा होता है एंड ऐसे पेशेंट्स आते हैं। और ये आप बोलोगे यार ये तो एपिलेप्सी नहीं है, बट अगर पेशेंट गाड़ी चला रहा है और उसको तभी ये अटैक आ जाए तो उसके एक्सीडेंट होने के कितने चांसेस है। तो ये ऑटोमेटिज्म जो है मैंने एक पेशेंट में देखा था, एंड ही वॉज लाइक एडमिटेड फॉर 24 आवर्स उसको है ना इसमें रखा था, ऑब्जर्वेशन में रखा था, एंड देन ही वॉज डायग्नोज विद दिस ऑटोमेटिज्म। और इसमें क्या होता था, वो वाले पेशेंट को क्या था, उसको पता चल जाता कि को अभी ऐसे ऐसे कुछ होने वाला है। ही हैड दैट ऑरा, उसको ऐसे प्रोड्रॉन पीडर जो रहता है ना माइग्रेन का, वैसे उसको कुछ लगता था कि हाँ मुझे भी कुछ भी होने वाला है। नेक्स्ट इज द जनरलाइज सीजर, इन्वॉल्व मच ऑफ द कॉर्टेक्स, हमने देख ला है। तो उसमें अभी तीन चार टाइप्स है आगे जनरलाइज सीजर में। तो पहला है जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है एपिलेप्सी में। तो इसमें क्या होता है, फॉलोइंग अ पार्शियल सीजर और अकरिंग स्पॉन्टेनियसली मे बी सिग्नल्ड बाय अ क्राई, मतलब पेशेंट को अचानक से दर्द होगा और वो जोर से चिल्लाएगा और उसके बाद होगा टोनिक स्पाज़म, जिसमें होता है कॉन्शियसनेस लूज हो जाएगी पेशेंट की, पेशेंट जमीन पर गिर जाएगा, एंड डीपनिंग साइनोसिस, पेशेंट नीला भी पड़ सकता है क्योंकि मे बी उसके एयरवेज भी चोक हो सकते हैं तब। देन सब्सिक्वेंट क्लोनिक स्पाज़म इज मार्क्ड बाय स्टर्टोरियस ब्रीदिंग, पेशेंट जोर जोर से सांस लेगा, उसके बाद जर्की लिम्ब कन्वर्जेंस, मतलब पेशेंट ऐसे 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 करेगा, एंड द इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, एंड द टंग में भी बिटन, बहुत बार बिटन टंग बहुत मतलब पेशेंट्स को एपिलेप्सी में दिखाई देती है। तो पेशेंट पहले क्या होगा, अनकॉन्शियसनेस आ जाएगी, पेशेंट गिर जाएगा, वो ब्लू भी हो सकता है, साइनोसिस भी हो सकता है, फिर उसके बाद उसमें जोर जोर से ब्रीथ करेगा, पेशेंट ब्रीथ करेगा, एंड देन द लिम में गोइंग टू कन्वर्जेंस, पेशेंट ऐसे 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 करेगा, ऐसे ऐसे कैसे भी कर सकता है पेशेंट, हाँ पेशेंट के हाथ स्टिफ हो जाते हैं, ऐसे 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 करता है पेशेंट, आंखें भी चली जाती है ऊपर, देन द टंग में ऑल्सो बी बिटन। देन एपिलेप्टिक मायोक्लोनिक जर्स आर ऑल्सो जनरलाइज सीजन एंड अकेयर इन वेरियस सिंड्रोम्स। एब्सेंसेस, सो एब्सेंसेस भी ऑटोमेटिजम्स की तरह ही है। आज जनरलाइज सीजर और मे बी सिंपली और सडन ब्रीफ सीजेशन और स्लोइंग ऑफ एक्टिविटी विद रैपिड रिटर्न टू नॉर्मैलिटी विदाउट लॉस ऑफ पोस्चर, मतलब पेशेंट उसके पोस्चर में ही होगा, जनरलाइज सीजर होगा या फिर सडन ब्रीफ सीजेशन और स्लोइंग ऑफ एक्टिविटी होगा। तो इसमें क्या होगा, रैपिड ब्लिंकिंग, पेशेंट ब्लिंक करेगा पटापट, चीविंग मूवमेंट, पेशेंट ऐसे करेगा, या फिर मूवमेंट ऑफ हैंड्स, या फिर वो हाथ की कुछ मूवमेंट करेगा, कुछ कुछ ऐसे 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 भी करते हैं रैपिड मूवमेंट। देन अटोनिक सीजर इज कैरेक्ट बाय सडन लॉस ऑफ पोस्टुरल मसल टोन विद ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस विदाउट पोस्टिकल कंफ्यूजन, मतलब क्या होता है इसमें, पेशेंट है ना उसको पोस्चर भी कुछ डिस्टर्ब हो जाता है ब्रीफ, मतलब बहुत लंबे समय तक पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है और उसके बाद उसको पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हुआ, तो उसको कुछ याद ही नहीं रहता। नाउ इज द स्केटस एपिलेप्टिकस, ये भी एक टाइप है, बट ये स्केटस एपिलेप्टिकस 5 मंथ्स के लिए डिफरेंटली पूछा जाएगा, इसलिए हम इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब हम एपिलेप्सी पर ही कंटिन्यू करते हैं। ये क्या होगा, मैंने नोट्स बनाते वक्त बीच में नोट्स बना दिए थे। डायग्नोसिस ऑफ एपिलेप्सी हम कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो क्या हम हिस्ट्री देखेंगे, फिर एज ऑफ ऑनसेट देखेंगे कब साथ हुआ, तो हिस्ट्री पे से हमें कॉज भी पता चल सकता है। अगर ये इन्फेंसी में कॉज होगा
होगा तो ये फेब्राइल इलनेस है, मतलब बहुत फीवर आ गया और फीवर हेड में दिमाग में चला गया और तब उसको एपिलेप्सी स्टार्ट होगा। देन बर्थ एस्पेक्सिया हो सकता है, कंजेनाइटल डायप्लेजिया होता है, मतलब पैरालिसिस होता है दोनों लोअर लिम्स का, कंजेनाइटल हेमिप्लेजिया होता है, मतलब एक साइड का पैरालिसिस होता है बेबी में, सेरेब्रल डैमेज फ्रॉम बर्थ इंजुरी, मतलब बर्थ के टाइम पे जो इंजुरी हुई थी तब उससे भी हो सकता है। नेक्स्ट, अर्ली चाइल्डहुड कंजेनाइटल और एक्वायर्ड लेजन्स, तो कंजेनाइटल या फिर एक्वायर्ड लेजन्स हो सकते हैं। लेट चाइल्डहुड में एक तो कॉज इडियोपैथिक, मतलब हमें कुछ कॉज पता नहीं है पक्का सा, या फिर कुछ ट्रॉमा या फिर इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है। अडल्टहुड में इडियोपैथिक या फिर पेनिट्रेटिंग हेड इंजुरी की वजह से भी ये हो सकता है ट्रिगर। लेटर लाइफ में सेरेब्रल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है। देन इज द लेटर लाइफ में, देन ये हो गया एज ऑफ ऑनसेट। उसके बाद ऑरा, मतलब एक वार्निंग साइन की इसके पहले कुछ होता था आपको, कुछ आपको फील हुआ था कि आपको कुछ होने वाला है, हम ऐसे पूछेंगे पेशेंट। और अदर प्रोड्रोमैटा, मतलब कुछ ऐसे फील हुआ था आपको, एंड द सेंसेशन एक्सपीरियंस बिफोर द अटैक, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्स फ्रॉम द विटनेस और द फैमिली। अगर पेशेंट को कॉन्शियसनेस, उसको पता है कि उसके साथ कुछ हुआ था तो उसको याद है, तो वो नहीं तो जिसने उसको देखा है, यूजुअली पेशेंट्स को नहीं पता होता है कि उसने क्या किया था, बट जिसने भी देखा है या फिर फैमिली। सर्कमस्टांसेस अंडर विच फील सकर, मतलब ऐसा कुछ हुआ था, आपने डांटा था या फिर उसको फीवर आया था उसके बाद ये अटैक आया। देन एसोसिएटेड फीचर्स सच एज मेंटल रिटार्डेशन, फैमिली हिस्ट्री फील्स विच कॉज सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस विथ फॉलिंग, फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है एपिलेप्सी के पेशेंट में। देन हिस्ट्री ऑफ फेब्राइल कन्वर्जेंस इन चाइल्डहुड, या फिर बचपन में ऐसा कुछ हुआ था कि उसको बुखार उखार हुआ था और तब उसको झटका आया था, ऐसे हम पूछ सकते हैं पेशेंट को। देन एग्जामिनेशन, तो हम उसको न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करता है, तो हमें उसका देखना है हेमिपैरेसिस है क्या, डिसफेजिया है क्या, या फिर कुछ फील्ड डिफेक्ट है क्या, उसको देखने में कुछ प्रॉब्लम है क्या, डायमॉर्फिज्म है, लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या कुछ। देन वी कैन रूल आउट मेंटल रिटार्ड as it is। देन इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे, EEG, जैसे हार्ट का ECG होता है वैसे दिमाग का EEG होता है। देन ECG भी निकालेंगे अगर कुछ हार्ट इश्यूज हुए तो, यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं, MRI भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी लीजन्स के वजह से भी हमें पेशेंट में एपिलेप्सी का अटैक दिखाई दे सकता है। अब हम मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो पहला क्या है, अवॉइडिंग फिजिकल एक्जर्शन, बहुत फिजिकल एक्जर्शन अवॉइड करना है, रेगुलर हैबिट ऑफ ईटिंग एंड स्लीपिंग, एडिक्वेट डाइट एंड अवॉइड अल्कोहल। तो यूजुअली मेरे जो सर है जो न्यूरोलॉजिस्ट थे वो तो बोलते थे पेशेंट गाड़ी ही नहीं चलाए, पेशेंट गाड़ी चलाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एपिलेप्टिक पेशेंट्स को कभी भी अटैक आ सकता है, तो अगर अटैक आया और अगर वो पेशेंट तब गाड़ी चला रहा होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो पेशेंट को यूजुअली गाड़ी ही चलाने को नहीं बोलते थे सर। देन द ड्रग्स प्रिंसिपल्स, एडिक्वेट थेरेपी, एम बींग सीजेशन ऑफ अटैक, डोसेज एडजस्टेड टू पर्टिकुलर पेशेंट, स्मॉल इनिशियल डोसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स इफ नेसेसरी एंड कंटिन्यूटी ऑफ ट्रीटमेंट। कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा ड्रग्स का अगर ज़रूरत पड़ी तो। मायजम में प्राइमरी में सोरा साइकोटिक एंड सेकेंडरी में अकॉर्डिंग टू कॉज। So this is it for epilepsy. Hope you learned the topic very well. If so, then please hit on the like button and please do subscribe to my channel, The Learning Medico. Thank you.